नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस स्टैंडर्ड पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो बात करेंगे रेजिस्टेंस की कि मार्केट में अभी फिलहाल अगर आपको आंख बंद करके पैसा बनाना है तो एक ही स्ट्रेटेजी का यूज करो, वो है रेजिस्टेंस के ऊपर बाइंग। हालांकि ये स्ट्रेटेजीज पहले काफी ज्यादा फेल होती थी, बट आजकल देखा जा रहा है कि रेजिस्टेंस के ऊपर आप कभी भी कोई पोजिशन बाइंग करते हैं तो आपके टारगेट बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि रेजिस्टेंस किस तरीके से देखने हैं, कैसे आपको बाइंग करनी है, किस तरीके से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और कुछ बैक टेस्टिंग करेंगे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिनमें दोस्तों आपको वन साइडेड टारगेट दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल अभी रिवर्सल तो मार्केट में दिखाई नहीं दे रहा है, बट अगर आप रेजिस्टेंस के ऊपर बाइंग करेंगे तो आपके टारगेट बहुत जल्दी आपको दिखाई दे सकते हैं। यानी कि आप रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही बाइंग करेंगे तो बहुत जल्दी आपका टारगेट अचीव हो सकता है। तो आज की वीडियो दोस्तों शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मैं ज्यादा समय नहीं खराब करूंगा, पहले मैं लेके जाऊंगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे हमने आपको बहुत सारे मैसेजेस थे जो आज के दिन दिए थे, जैसे भारतीय एयरटेल बताया था, साथ साथ इंफोसिस बताया था, 1682 के आसपास का रेट चल रहा था इसका, इसके साथ साथ एम्फोसिस, टेक महिंद्रा, बहुत सारे स्टॉक थे जो हमने रिकमेंड करे थे। तो बहुत जो कंफर्मेशन थी जैसे टेक महिंद्रा में और बहुत सारे स्टॉक्स में, तो कंफर्मेशन आज मिली नहीं थी। तो कोई बात नहीं दोस्तों, फिर भी हम जल्दी से पहले इन स्टॉक का रिव्यू कर लेते हैं, फिर हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो स्टॉक हमने आपको रिकमेंड करा था वो था इन्फोसिस। इन्फोसिस जो क्लोज हुआ है दोस्तों वो हुआ है, यहाँ पे अगर बात करेंगे दोस्तों वो है 1689 पे दोस्तों ये क्लोज करा है, और हाई इसने जो बनाया है दोस्तों वो बनाया है इसने 1696 के आसपास का। उसके बाद लो देखने को मिला था 1683 का। पर दोस्तों एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट अभी वन साइडेड हो चुका है, और वन साइडेड मार्केट में आप रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करके पैसा बना सकते हैं, और यही चीज दोस्तों आज हमें देखने को मिली वो है इन्फोसिस में। हालांकि कल की वीडियो में मैं एक चीज कह रहा था कि कल अगर इन्फोसिस 1674 के नीचे जाता है तो पोजीशन शॉर्ट बनाइएगा, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखेंगे दोस्तों ये भी रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के ऊपर जाते ही एकदम तेज हो गया। हालांकि मुझे लग रहा था कि यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल सकता है, और मैंने भी आज इसकी पुट खरीदी थी, 1680 की पुट खरीदी थी मैंने कुछ 22 रुपए के आसपास, और 17 रुपए पे दोस्तों वो एग्जिट कर दी थी मैंने। तो यहाँ पे भी कहना चाहूंगा कि अभी सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है पैसा बनाने का, आपको देखना है कि जहां भी आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और रेजिस्टेंस के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, बोर्ड पे लेके जाता हूँ, बोर्ड पे आपको समझाना चाहूंगा। अब सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है मार्केट में, आजकल की मार्केट देखो, मार्केट के अकॉर्डिंगली आपको चलना है। कभी कभार हमारी एनालिसिस मार्केट के अकॉर्डिंगली होती है। देखो क्या होता है कि वैसे हम रिवर्सल पे भी काम करते हैं, अभी फिलहाल मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग पूरी तरीके से काम नहीं कर रही। अगर आप स्विंग ट्रेड बनाएंगे तो आपका पैसा नहीं बन सकता, क्योंकि स्विंग में बॉटम पे बाय और टॉप पे सेल होता है। अभी क्या टॉप पे भी बाय हो रहा है और उसके टॉप पे भी बाय हो रहा है, तो हर टॉप पे आपको बाय देखने को मिलेगा, तो स्विंग ट्रेडिंग तो दोस्तों भूल ही जाओ फिलहाल। हाँ, ऐसा नहीं है कि स्विंग ट्रेडिंग आगे काम नहीं करेगी, काम करेगी, बट आजकल की मार्केट क्या है उसका रीजन है कि लोगों की शॉर्ट पोजीशन ज्यादा है। जब लोगों की मार्केट में शॉर्ट पोजीशन ज्यादा होती है तो वहां पे मार्केट में वन साइडेड मूवमेंट आपको देखने को मिल जाती है। तो अभी आपको क्या करना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, शॉर्ट में समझाऊंगा, समझ लेना। तो ये है कि अभी आपको ये देखना है कि जब भी मार्केट में आपको इस तरीके से दिखाई देता है, मार्केट इस तरीके से चल रही है और उसके बाद वापस इन मार्केट नीचे जाता है और एक हाई बनता है, सिर्फ और सिर्फ ये चीज देखनी है। मान लो कि 280 का हाई है, मार्केट लोअर गया 270 का, और 280 जैसे ही जाएगा और एक बुलिश कैंडल आपको यहां देखने को मिलती है, अगली कैंडल पे आप क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं प्रीवियस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के। सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है जो आज की मार्केट में काम कर रही है। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, रेजिस्टेंस देखना है। रेजिस्टेंस के बारे में ऑलरेडी मैं काफी वीडियो में और ऑनलाइन कोर्स में बता चुका हूं। बुलिश कैंडल देखनी है, और बुलिश कैंडल के बाद आपको बाय करना है, और प्रीवियस बुलिश कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के। मैं कह रहा हूं यहां से आपको क्या करना है कि जैसे 280 और 270 10 पॉइंट का डिफरेंस हो गया, तो आपको 10 पॉइंट नहीं लेने, आपको क्या करना है 5 पॉइंट्स लेके आप यहां से क्या कर सकते हैं, एग्जिट हो सकते हैं। सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी है, बहुत अच्छी चल रही है इस टाइम मार्केट में, और इस तरीके से ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। हालांकि मैं इस स्ट्रेटेजी पे पहले काम नहीं करता था, बट इसमें भी बहुत सारी चीजें देखता था कि इंडिकेटर देखता था डाइवर्जेंस तो नहीं है, बट अभी फिलहाल क्या है, डाइवर्जेंस हो या ना हो बट ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही चल रही है। तो आप भी इस तरीके से ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको स्टॉक चेक करने हैं, जैसे कि मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूं। अब निफ्टी क्या है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे निफ्टी का चार्ट, तो मैं क्या करूंगा स्पॉट मार्केट का चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा। तो स्पॉट मार्केट में निफ्टी जो है अभी चल रही है 16,364। अब आप देखेंगे दोस्तों कि
कल की वीडियो में एक चीज मैंने आपको बोली थी, आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो मैंने आपको बोला था कि भैया अभी मार्केट में ना लोगों की पुट्टे ज्यादा बाय है, बोला था आपको कि पुट ज्यादा बाय है तो अभी फिलहाल कोई भी शॉर्ट करके मत चलना। और मार्केट में दो बार करेक्शन आई, रिवर्सल हो गया, फिर से करेक्शन आई और फिर से रिवर्सल देखने को मिला है। अभी भी बहुत सारे फोन आ रहे हैं सर ट्रिपल टॉप बन गया, ट्रिपल टॉप बन गया, मैं मानता हूँ ट्रिपल टॉप बन गया, बट भैया अभी डाइवर्जेंस नहीं आ रहे। आप यहाँ पे देखिएगा कि ये हाई बना था, इसके बाद ये हाई बना था और ये थर्ड हाई बन गया। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि ये थर्ड हाई तो बन गया मगर यहाँ से कोई भी नेगेटिव डाइवर्जेंस ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो नेगेटिव डाइवर्जेंस ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं तो उसका मतलब ये हो सकता है कि ये भी क्या है, एक रेजिस्टेंस है। और अगर निफ्टी फिर से 16,380-16,390 के आसपास जाती है तो वहां से आप बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस रख सकते हैं, बहुत छोटा सा 16,330-340 का ऐसा रख सकते हैं 30-40 पॉइंट का, और वहां से हो सकता है वो 16,500-16,600 का रेट एक ही दिन में आपको दिखाई दे सकता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि यहां से 16,600-16,700 जाएगा, बट मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये रेजिस्टेंस पे खड़ा है और रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा तो बाय कर सकते हैं आप। रीजन क्या है कि मार्केट में लोगों की पुट बहुत ज्यादा प्लस है। पुट ज्यादा प्लस होने की वजह से क्या हो सकता है कि मार्केट में जब पुट ज्यादा प्लस होती है और लोग क्या कर रहे हैं, हर हाई पे पुटे खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं, उनको लग रहा है कि एक बार करेक्शन आएगी तो हम एवरेज करके सारी पोजीशन निकल जाएंगे, बट ऐसा मुझे लग रहा है मार्केट होने नहीं देगा। तो कई बार ऐसा होता है कि कई बार एनालिसिस भी फेल हो जाती है, उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि रिटेल की जो पोजीशन है जब ज्यादा सेलिंग हो या रिटेल की पोजीशन ज्यादा बाइंग में हो या सेलिंग में हो तो ऑपरेटर उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड जरूर बनाता है। तो जब तक लोगों की सेलिंग पोजीशन नहीं कटेगी तब तक मार्केट तेज ही रहेगा। तो यहां से 17,000 भी चल जाए, 18 भी चल जाए, 20 भी चल जाए, कोई मतलब नहीं है दोस्तों मार्केट में। सिर्फ और सिर्फ जो तरीका मैंने आपको बताया है कि रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करने का, इस तरीके से काम करिए, पैसा बनाइए और फिर कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिए। और कल के दिन आप इसी तरीके से ट्रेड करके पैसा बनाएंगे और कमेंट भी करेंगे। तो ये तरीका जो मैंने आपको बताया है ये निफ्टी में, इसके साथ साथ इंफोसिस में भी काम करा था। हालांकि इंफोसिस में एक छोटा सा मेरा रैसल गया था आज मैंने सोचा चलो एक पुट खरीद लेता हूँ। हालांकि मैं काफी दिन से ट्रेडिंग अवॉइड कर रहा था, बहुत कम क्वांटिटी में बहुत कम ट्रेड बना रहा था और आज एक ही ट्रेड बनाया मैंने इंफोसिस में, वो मेरा एक दो लॉट में छोटा सा लॉस हो गया। खैर कोई बात नहीं, और मैं भी आपको यही कह रहा हूँ कि भाई क्वांटिटी कम कर दो, ट्रेडिंग थोड़ी अवॉइड करो, अवॉइड करोगे तो ज्यादा बेटर है। करना है तो इस तरीके से काम करना, नहीं तो अवॉइड करो। अभी रिवर्सल पे काम करना थोड़ी दिन के लिए बंद कर दो, ऐसा नहीं है कि रिवर्सल फेल हो गया आगे काम नहीं करेगा, काम करेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। अभी मार्केट ठीक नहीं है और मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बोला था कि अगस्त का महीना तीन चार साल से वन साइडेड रहता है। रिकॉर्ड आप देख सकते हैं दोस्तों, बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, लास्ट ईयर का या उससे लास्ट ईयर का अगस्त का महीने का चार्ट आप देख लेना, बिल्कुल वन साइडेड रहता है। तो यहाँ पे भी मुझे फिर से वन साइडेड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से मैं आपको क्या करता हूँ, और चार्ट दिखाता हूँ, विप्रो का चार्ट दिखाता हूँ। विप्रो में हालांकि एक शूटिंग स्टार पैटर्न है, मैं अभी भी विप्रो में सेलिंग में हूँ, 600 रुपए पे सेलिंग थी इसमें और मुझे इसका जो स्टॉप लॉस लग रहा है 614 रुपए का लग रहा है। विप्रो का चार्ट आप पीछे देख सकते हैं, विप्रो में मैं आज भी सेलिंग में हूँ। और इसके अलावा भी अगर मैं और भी स्टॉक की बात करूँ, बजाज फिनसर्व में और बजाज फाइनेंस में कल हमारे टारगेट आ गए थे, बट अगर मैं अवर्ली चार्ट देखूँ, देखो अभी क्या करना है आपको, अवर्ली चार्ट लगाना है, ऑर्डली चार्ट पे आपको चेक करनी है सारी चीजें। तो आपको लगा के देखना है कि नियरेस्ट रेजिस्टेंस क्या है, जैसे यहाँ पे देखेंगे बजाज फिनसर्व का नियरेस्ट रेजिस्टेंस है इसका, यहाँ पे 14,370 रुपए के आसपास का है। तो ये लाइनें ड्रॉ करना सीख लीजिए आप। अभी क्या है, सिर्फ रेजिस्टेंस देखिए और रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करिए। और बहुत सारे स्टॉक अगर मैं देखूं तो मैं कोई भी रैंडमली स्टॉक उठा लेता हूँ, टाटा केमिकल उठा लेता हूँ, तो टाटा केमिकल में भी देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस बना था और रेजिस्टेंस बना था इसके ऊपर गया और एक तेजी होगी इसमें। बट एक चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो ये 890 है और लो बना है 830 रुपए का, तो डिफरेंस जितने भी पॉइंट गए यहाँ पे, अगर आप मान के चलते हैं कि यहाँ पे अगर मान लो डिफरेंस 60 पॉइंट का है, तो आपको 60 पॉइंट प्लस नहीं करने यहाँ से। ऐसा नहीं है कि भैया आप 890 प्लस 60 कर देंगे 950 का टारगेट आएगा, 30 पॉइंट ही लेंगे, इसके आधे पॉइंट पे हम निकलेंगे, यानी कि 920 तक आप क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अपना, और यहीं तक ही मार्केट जाके रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ पे ना आपको रेजिस्टेंस देखना है, रेजिस्टेंस ढूंढना है, ट्रेड बनाना है और पैसा आपको बनाना है, क्योंकि अभी फिलहाल क्या अगस्त का महीना इसी तरीके से रहेगा। तो आप क्या करिए, अवर्ली चार्ट लगाइए और रेजिस्टेंस ढूंढिए, ढूंढते रहिए रेजिस्टेंस, कहाँ पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है उस पर काम करिए। और रेजिस्टेंस पे काम करना है, बट इससे पहले एक दो चीजें और आपको बताना चाहता हूँ कि भैया रेजिस्टेंस पे काम करने से पहले आपको ये भी पता होना है कि रेजिस्टेंस परफेक्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कब बाय करना है, कब सेल करना है। देखिए जैसे ये भी रेजिस्टेंस है, ठीक है,
और रेजिस्टेंस के ऊपर आप बाय कर सकते हैं, बट कैसे कर सकते हैं, इसके लॉजिक क्या है, वो दोस्तों मैंने अपने ऑनलाइन कोर्स में बताए हुए हैं कि रेजिस्टेंस बनेगा, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनेगी, उसका हाई ब्रेक होगा तो आप बाय करेंगे, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और टारगेट किस तरीके से लेना है और इसके साथ साथ डाइवर्जेंस का किस तरीके से यूज करना है, वो सारी चीजें दोस्तों हमारे ऑनलाइन कोर्स में है। वो आपको बेसिक जो रेजिस्टेंस पे काम करने का एक मेथड होता है वो हमारे ऑनलाइन कोर्स में आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल आज का मार्केट या आने वाला मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट करेगा रेजिस्टेंस पे वो मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं कि अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपका पैसा जरूर 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 बनेगा। और मैं भी छोटी छोटी क्वांटिटी में इस तरीके से ट्रेड बना रहा हूं और पैसा बन रहा है और काफी लोगों को मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स को भी इस तरीके से रिकमेंड करा है, तो मैंने सोचा चलो इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना देता हूं। तो आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से काम करें रेजिस्टेंस पे, सपोर्ट पे, कैंडलस्टिक पे, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in, वहां पे जाइए, यूजर आईडी क्रिएट करिए, ओटीपी पासवर्ड आएगा और वहां से आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस का। 8,000 रुपए का कोर्स है, इसमें रेजिस्टेंस, सपोर्ट, कैंडलस्टिक किस तरीके से काम करता है, डाइवर्जेंस कैसे काम करते हैं, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, सब कुछ सिखाया है। 8,000 का कोर्स है, डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं सही कह रहा हूं, 8,000 होते क्या है, एक ट्रेड में दोस्तों आपके कवर हो जाएंगे। बहुत सारी रिकमेंडेशन तो वैसे अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देते हैं, तो सीखने को मिलेगा, वीडियो लाइफ टाइम के लिए मिलेगी, पीडीएफ फाइल मिलेगी, प्रोडक्शन हाउस से शूट कराया, क्वालिटी आपको बहुत जबरदस्त मिलने वाली है इसमें। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, डायरेक्ट मैं बात करूंगा। साथ साथ दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है, पर्सनल टेलीग्राम चैनल, अब पर्सनल टेलीग्राम चैनल अगर आपने देखे नहीं है तो देख लीजिए, कितने सारे मैसेजेस दोस्तों हम पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे करते हैं, देखिए। और ये हमारे आज के छोटे छोटे हमारे ये टारगेट है जो आज आए हैं, ये रेजिस्टेंस पे आज हमने मॉर्निंग में भी हमने टेलीग्राम चैनल पे बाय कराया था और टारगेट हमें देखने को मिले थे इसमें। तो ये पर्सनल टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा लाइफ टाइम के लिए। और दोस्तों सही कह रहा हूं कि ये पर्सनल टेलीग्राम चैनल का हिस्सा अगर आप बन गए तो मुझे नहीं लगता कि आपको आगे फ्यूचर में कभी लॉस होगा, बट उसके लिए आपको कोर्स भी पढ़ना पड़ेगा, जो वीडियो बनाई है उसको भी एक बार देख के स्टडी करनी पड़ेगी। साथ साथ संडे का वेबिनार मिलेगा, हर संडे वेबिनार करते हैं, वेबिनार का हिस्सा बन सकते हैं लाइफ टाइम के लिए और इसका कोई भी चार्ज आपको देने की जरूरत नहीं है। यानी कि एक 8,000 रुपए का कोर्स में आपको टेलीग्राम चैनल, संडे वेबिनार, जो भी डाउट है, क्वेरी है, मेरे से क्लियर कर सकते हैं और साथ साथ आपको साल में एक बार मीटअप भी मिलेगा। तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। और कहना चाहूंगा हमारा ऑप्शन का भी कोर्स है, ऑप्शन का कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों कहना चाहूंगा कि दो ब्रोकर के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, दोनों में से किसी एक में भी डीमैट अकाउंट ओपन कराएंगे तब भी आपको मैं संडे का वेबिनार लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो आशा करता हूं आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मेथड मैंने आपको बताया है उसी मेथड पे काम करें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।